दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जेड टू जेड है। सबसे पहले तो ये है कि जेड क्या है। जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी माइनस क्यों, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, माइनस इन्फाइनाइट तक पूर्णांक होना चाहिए, जीरो इंक्लूडिंग वन टू थ्री। मतलब हाँ, यहाँ पर ऋण के भी पूर्णांक आएंगे, धन के भी आएंगे। तो z को पहले हम इसमें यहीं पे कर देते हैं, माइनस थ्री, माइनस टू, आगे भी हो सकते हैं माइनस वन और इंक्लूडिंग जीरो, वन टू थ्री अप टू इनफाइनाइट तक हो गया ये। अब हम इसमें एक एक ही देखेंगे, आच्छादी देखेंगे है या नहीं। तो एक एक ही होने की जांच करेंगे, एक एक की होने के लिए पहले तो मैं ये एफ एक्स बराबर ये लिखना चाहिए था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ जेड से जेड में ये लिखना चाहिए। इसके बाद ये इसके लिए हमें प्रांत से x1 x2 दो संख्याएं लेनी है। आगे हमें लिखना भी है प्रांत, क्योंकि दोनों अक्षर एक जैसे ही हैं, तो ये अच्छी तरीके से मालूम है कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। अब हम f x1 बराबर f x2 रख करके देखेंगे, ये पता करेंगे क्या दोनों के बराबर होने के लिए x1 x2 का बराबर होना आवश्यक है। अगर है तो एक एक ही होगा। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हम रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन स्क्वायर होगा ना। इसका मतलब ये हुआ है एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो। अब जेड में से तो दोनों कंडीशन अप्लाई हैं, जेड वन प्लस जेड टू भी है, एक्स वन प्लस एक्स टू भी है और एक्स वन माइनस एक्स टू भी, दोनों संभावनाएं हैं। तो यदि अब ये दो संभावनाएं क्यों हैं, क्योंकि x1 x2 माइनस के भी हो सकते हैं। अगर मान ली एक दो रखा दूसरा माइनस दो रखा तब भी जीरो हो जाएगा। अर्थात यदि x1 प्लस x2 बराबर जीरो, दिस इंप्लाई दैट x1 बराबर माइनस x2। मतलब एक ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 कोई संख्या रखे और माइनस करके दूसरी रख दे तब भी ये काम चलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो x1 माइनस x2 बराबर जीरो, तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि x1 बराबर x2 ही होना चाहिए। मतलब f x1 बराबर f x2 होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि x1 बराबर x2 ही हो। अगर x1 बराबर माइनस एक्स टू हुआ तब भी ये रिजल्ट सेटिस्फाइड होगा। अर्थात एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। ऐसा नहीं है कि एक्स वन एक्स टू बराबर ही हो, ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, इसलिए ये फलन एक एक ही नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम f माइनस टू रखें तो ये माइनस दो का वर्ग चार आ जाता है, और f टू रखेंगे तो दो का वर्ग चार आएगा। चलिए हम इसको उदाहरण भी बता देते हैं। तो देखिए दोनों बराबर आए ना, f माइनस टू बराबर f टू, तो हमने ये अलग अलग रख के फिर भी बराबर आ गए, मतलब फलन एक एक ही नहीं है।
अब आच्छादी होने की जांच करेंगे हम। आच्छादी होने की जांच करते हैं। इसके लिए हम करेंगे बीजी विधि से। माना y बिलोंग्स टू z, आगे लिखेंगे सहप्रांत। ये बीजी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कठिन लग रही है। तो हमने सहप्रांत से लिया है, हम क्या करेंगे y को fx के बराबर रखेंगे, यानी fx के लिए हमें क्या रखना है y, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और x का हम मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट वाई आएगा। हम प्लस माइनस वाई नहीं लेंगे क्योंकि फलन की परिभाषा ही है कि एक दो पूर्व प्रतिबिंबों से एक प्रतिबिंब संबद्ध नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ केवल प्लस ही लेंगे। उदाहरण के लिए फलन की परिभाषा ये थी कि सॉरी यहाँ पर दो एक पूर्व प्रतिबिंब के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ये होना चाहिए। तो अगर प्लस माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पूर्व दो प्रतिबिंब बन रहे हैं एक पूर्व प्रतिबिंब के, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक वाई के लिए ये जेड नहीं आएगा। उदाहरण के लिए अगर हम माइनस की संख्या ले लें जो कि संभव है, तो उसका वर्गमूल रियल नंबर ही नहीं आएगा, तो फिर एक्स जेड कहाँ से आएगा। अथवा चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, अगर पाँच ले लें तो अंडर रूट पाँच आएगा, तो ये जेड में कहाँ आएगा। अर्थात एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू जेड फॉर एवरी y belongs to z, अतः फलन आच्छादी नहीं है। उदाहरण के लिए हमने भी बताया था, एग्जाम्पल के लिए y बराबर पाँच ले लें तो उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब हमारा मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन आच्छादी नहीं है। इस प्रकार फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादी है। न तो एकैकी और न आच्छादी है।